उत्तराखंड के उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, कांग्रेस ने दोनों सीटों पे जीत दर्ज की है। इसका रिएक्शन लेंगे उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से, उनसे जानते हैं क्या कारण रहे। भट्ट जी, दोनों सीटों पे हार का सामना करना पड़ा, क्या कारण आपको आप देख रहे हैं, क्या हुआ ऐसा जो आपको लगता है कि हार हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हार की समीक्षा करेगी, लेकिन कांग्रेस को बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस ने बद्रीनाथ में सीट बचाई है और मंगलोर में कांग्रेस बीजेपी से हार तैयारते बची है। मैं मंगलोर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि मंगलोर की जनता, जहाँ हम लोग कभी अपनी जमानत नहीं बचा पाते थे, हमारे प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना, जिनको कांग्रेस ने भारी प्रत्याशी बोल बोल कर माहौल खराब करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत अच्छे जीत की शिखर तक वो लोग उन्होंने पहुँचने का प्रयास किया है। हम उस हार को स्वीकार करते हैं। मंगलोर की जनता से जो विश्वास और जो वादे हमारे प्रत्याशी ने किए होंगे, मैं मंगलोर जनता को विश्वास दिलाता हूँ हम उन सारे वादों को पूर्ण करेंगे। जहाँ तक बद्रीनाथ का विषय है, अभी लोकसभा चुनाव में हम लोग 8,000 मतों से सीट को जीते हैं। कांग्रेस को ने वहाँ अपनी सीट बचाई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी उस हार की समीक्षा करेगी। राजेंद्र भंडारी जी ने विकास के लिए कांग्रेस के त्याग को सत्तादल में आए थे, हमने अपने वचन के अनुसार उनको कमल के चुनाव टिकट पर लड़ाया। अब क्या कारण है उसका हम निश्चित रूप से समीक्षा करेंगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ बीजेपी बद्रीनाथ के अंदर भी यथास्थान अपने स्थान पर खड़ी है और हम लोग भविष्य के अंदर अपने उस मुकाम को पुनः अर्जित करेंगे। और क्योंकि 27 में चुनाव होना है, वहाँ की जनता इसी को समझती है और दोनों विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस स्थान पर थी वहीं खड़ी है। कांग्रेस जो है, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के कह रहे हैं कि अयोध्या में भी हारे, बद्रीनाथ में भी हारे और केदारनाथ में भी हारेंगे। हरीश रावत जी ने भी कह दिया है कि भगवान राम ने आपको अयोध्या में हरा दिया, भगवान विष्णु ने आपको बद्रीनाथ में हरा दिया, अब भगवान शिव केदारनाथ में हराएंगे। देखिए, जहाँ तक अयोध्या का विषय, अयोध्या लोकसभा, अयोध्या विधानसभा बीजेपी जीती हुई है। बद्रीनाथ पिछली बार से हारे हुए थे, बद्रीनाथ विधानसभा कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस अति उत्साह में भगवान का सहारा ले रही है। लोकसभा अयोध्या में तो हारे नहीं, लोकसभा नहीं आ रहा, अयोध्या की विधानसभा, लोकसभा, अयोध्या के नाम से लोकसभा है ही नहीं देश के अंदर, इसलिए इस प्रकार का कुप्रचार किया जा रहा है। अच्छा, फरीदाबाद लोकसभा है उसको, फैजाबाद के नाम से लोकसभा है, इसलिए अयोध्या बीजेपी जीती है। अयोध्या के अंदर लोकसभा चुनाव में हम लोग आगे रहे हैं और जहाँ तक बद्रीनाथ तो कांग्रेस जीती हुई थी। कांग्रेस ने कोई नया काम नहीं किया, अपनी सीट बचाई है और मैं बधाई देता हूँ कांग्रेस के प्रत्याशी को। लेकिन इतना भी सच है कि हम 8,000 से लोकसभा को, उस विधानसभा को जीते थे बद्रीनाथ विधानसभा को, कांग्रेस ने वो मुकाम तो छुआ नहीं। ये ठीक है कि हम उस सीट को और अच्छे तरीके से मैनेज करते जीत सकते थे, जहाँ कमी रही है उसको हम देखेंगे भविष्य में क्या कारण रहे। राजेंद्र भंडारी जी कांग्रेस से आए थे, उन्होंने उस क्षेत्र के विकास के लिए सत्तादल ज्वाइन किया था और मैं विश्वास दिलाता हूँ बद्रीनाथ जनता को उस क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता कटिबद्ध है। कांग्रेस जहाँ थी वहाँ है। कांग्रेस हरिद्वार मंगलोर के अंदर हार तैर तो बची है और बीजेपी पर कोई फर्क नहीं, बीजेपी की जितनी सीटें आज भी यथावत है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी हम सीट बढ़ाए, नहीं बढ़ा पाए, इसके भविष्य में समीक्षा करके भविष्य में। आप राजेंद्र भंडारी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, राजेंद्र भंडारी ने जब आपको विधानसभा चुनाव में हराया था तो आपके समर्थक कहते थे कि एक दिन राजेंद्र भंडारी का करियर खत्म हो जाएगा, और राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से भाजपा में भी जब आए तब भी आपके समर्थक खुश नहीं थे, उनको लगता था कि ये आपके साथ जो है वो धोखा हुआ है, इसको कैसे? बीजेपी के अध्यक्ष होने के नाते मेरा कोई व्यक्तिगत समर्थक नहीं होता है। हम कार्यकर्ता को दल से जोड़ते हैं, व्यक्ति से नहीं जोड़ते हैं, नहीं होता है। हम कार्यकर्ता को दल से जोड़ते हैं, व्यक्ति से नहीं जोड़ते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी है बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव में लगा, और जब काउंटिंग हो रही थी तो मैं एक एक राउंड की देख रहा था, तो 15 राउंड की काउंटिंग थी, कहीं हम 200 वोट से पीछे रहे, कहीं 300 वोट से पीछे रहे, लेकिन बीजेपी अनेकों बूथों पर जीती है। इसलिए ये कहना कि व्यक्तिगत समर्थक नहीं लगा, तो मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ चुनाव लड़ी है। ठीक है कि जब हार होती है उसके बहुत से कारक होंगे, उसको देखना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव के अंदर हम जिन बूथों को जीत नहीं पाए थे, अभी विधानसभा उन बूथों पर हमारी स्थिति क्या रही है, उसके हम समीक्षा करेंगे। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ के अंदर जिस स्थान पर थी उस स्थान पर है, लोग जीतेंगे। लोकसभा आप 8,000 वोटों से जीतते हैं, फिर विधानसभा 5,000 से ज़्यादा वोटों से क्यों हार जाते हैं? मैंने कहा समीक्षा का विषय है। अंदर कोई आपको लगता नहीं है कि समर्थक जो हैं उतने दिल से इन्होंने काम? देखिए, समर्थकों ने काम किया, कांग्रेस ने जिस तरह से कांग्रेस को आपने भरा,
अपनी पार्टी के अंदर पहले भी सवाल उठे थे। तो बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं, इसको अर्थ नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कांग्रेस जो है अकेले नहीं लड़ी, कांग्रेस बद्रीनाथ के अंदर यूकेटी के साथ मिलकर लड़ी, वामपंथी के साथ मिलकर लड़ी, जो समेट के माहौल को वामपंथी ने स्थान दिया था उसका परिणाम रहा। तो जब विरोधी सब इकट्ठे होकर लड़ते हैं तो मैं कहीं ना कहीं उसको ताकने समझने हमसे कुछ चूक हुई है, और भविष्य के अंदर या तो यूकेटी वामपंथी और सीपीआई अलग लड़ते थे, कांग्रेस अलग लड़ती थी, सपा लड़ती थी, बसपा लड़ती थी, जब इतना दल नहीं लड़े तो इन दलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो हम उस हमारी रणनीति रहेगी। लेकिन ठीक है, हार हार होती है, हम उसको स्वीकार करते हैं। मंगलौर में वायलेंस हुआ, गोली चलाने की भी बात आई, पुलिस ने FIR भी दर्ज करी, लेकिन पुलिस पर ज़्यादा आरोप लग रहा है और कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में इस तरह का चुनाव में वायलेंस पहली बार देखा गया है। आप इसे कैसे देखते, क्या ये होना चाहिए था? देखिए, निश्चित रूप से गलत हुआ है और हमें पूरे से विश्वास था जब क्षेत्र के माहौल में ये बात को फैलाया जाए कि प्रत्याशी भारत का प्रत्याशी नकारात्मक माहौल खड़ा करने का जब कांग्रेस ने प्रयास किया, आपसी द्वंद्व हुए, आपसी झगड़े हुए जो होने नहीं चाहिए थे। और मैं कहता था कांग्रेस ने इस चुनाव को जीतने के लिए जब उनको लग गया कि मंगलौर के अंदर उनकी स्थिति क्या होने वाली है, उसको जिस प्रकार का षड्यंत्र किया, तो अब तो जनता ने तो प्रत्यक्ष रूप से देख लिया है आखिर इसमें किसका हाथ था। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कांग्रेस ने वहाँ बसपा को हराया, बीजेपी से हारते हारते बची है, बद्रीनाथ के अंदर कांग्रेस ने अपनी सीट को बचाया, इसलिए कांग्रेस को बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का कहना है कि कांग्रेस को ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस ने जो है अपनी सीटें बजाई हैं, बीजेपी की कहीं सीट भी नहीं थी। लेकिन हार को स्वीकारते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा है कि इस हार का जो है उसको हम देखेंगे, उसकी एनालिसिस होगी और आगे के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं ये भी एक कार्यकारिणी बैठक में तय किया जाएगा। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।